नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जागरण हाईटेक। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। काफी लंबे टाइम से व्यूवर्स की डिमांड थी अपाची RTR 2V पे वीडियो लेकर आया जाए, जिनका बजट 1,20,000-25,000 के आसपास है और एक स्पोर्टी और मस्कुलर बाइक की तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि बाइक अच्छी हो। इस बाइक के बारे में आपको 5 बड़े पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं अतुल यादव, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। तो शुरुआत इस बाइक के लुक और डिजाइन से करते हैं। दिखने में बाइक आपको पुरानी RTR 162V की फील दे सकती है, लेकिन कंपनी इसमें कुछ नया अपडेट किया है। नए अपग्रेड में क्या कुछ है आपको दिखा देता हूं। नए अपडेट में अब आपको 3 राइडिंग मोड मिलेंगे, जिसमें स्पोर्ट, रेन, अर्बन शामिल हैं, और इसमें कई आपको ब्लूटूथ कनेक्टेड फीचर मिल जाएंगे। सामने आप देख सकते हैं, इसमें फ्यूल इंडिकेटर है, टाइम भी आपको रियल टाइम इसमें बताया जाएगा, आपकी बाइक स्टैंड पे खड़ी है या फिर स्टैंड से हटी है, ऐसे तमाम 28 कनेक्टेड फीचर आपको मिल जाएंगे। हालांकि जो बाइक आपको दिखा रहा हूँ, ये बाइक टॉप वेरिएंट है। अगर आप ड्रम और डिस्क वेरिएंट अगर आप चलाते हैं, तो उसमें आपको थोड़े से जो फीचर हैं वो कम मिलेंगे। सामने से दिखने में कैसी लगती है 160 RTR? फ्रंट में पहले हाइलोजन हेडलैम्प मिलते थे और प्रोजेक्टर लैम्प भी हाइलोजन में मिलता था, लेकिन अब कंपनी ने इसको फुल्ली LED कर दिया है और प्रोजेक्टर लैंप भी फुल्ली LED है। साइड इंडिकेटर में अभी भी हालांकि हाइलोजन ही आ रहा है, हो सकता है कंपनी आने वाले समय में इसमें कुछ चेंजेस करे। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, साइड प्रोफाइल अभी भी पहले जैसे बरकरार है। इसमें नया ग्राफिक्स डिज़ाइन आपको मिल जाता है, जहां पे कई जगह पर आप TVS रेसिंग देख सकते हैं। यहां पर आपको इंडिया का लोगो भी दिख जाएगा। रियर में भी चेंजेस हुए हैं, पहले यहां पे हाइलोजन टेल लैंप मिलता था, कंपनी इसको फुल्ली LED टेल लैंप कर दी है। कलर और वेरिएंट की बात करते हैं, कुल 3 वेरिएंट में ये बाइक इस समय इंडियन मार्केट में है, जिसमें आपको ड्रम, डिस्क और डिस्क ब्लूटूथ मॉडल मिल जाएगा। 5 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा, जिसमें ब्लैक, वाइट, ब्लू, ग्रे और सामने जो दिख रही है रेड कलर शामिल है। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 159.7 cc का इसमें इंजन दिया गया है, एयर कूल्ड इंजन है, और ये 15.35 हॉर्स पावर एंड 13.9 की पीक टॉर्क जनरेट करती है। 5 स्पीड गियरबॉक्स आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं इसके टायर की, तो जो फ्रंट का टायर है ये 17 इंच का है, ट्यूबलेस टायर है। फ्रंट साइड में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा और बैक साइड में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। बैक का जो टायर है, पहले से इसको और चौड़ा कर दिया गया है, हालांकि आपको टॉप मॉडल में देखने को मिलेगा। और इस बाइक का जो वजन है कुल 2 किलो कम हो गया है। मेरी जो हाइट है वो 5.6 है और मैं इस पे बैठता हूँ और बताता हूँ कि बैठने में कैसा है। मेरा पैर प्रॉपर तरीके से मैं ज़मीन में रख ले रहा हूँ, ट्रैफिक में मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो कुल मिला के यही है कि अगर आपकी हाइट कम है, फिर भी आप इस बाइक का पूरी तरीके से इंजॉय ले सकते हैं, आपका राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि इसका 2 किलो वज़न और कम हो गया, 138 किलो इसका वेट है, तो आप इसको आगे पीछे भी आसानी से कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ट्रैफिक में भी अच्छे से चलेगा और कहीं अगर आप पार्क ही होते हैं बाइक, तो आप आसानी से इसको आगे पीछे कर सकते हैं। फाइनली आते हैं अब इस बाइक की कीमत पर। इसका जो ड्रम वेरिएंट है उसकी कीमत 1,19,000 रुपये एक्स शोरूम दिल्ली है। वहीं अगर आप इसका डिस्क वेरिएंट लेने जाते हैं, डिस्क वेरिएंट की जो कीमत है 1,24,000 के आसपास है, और टॉप मॉडल जो आपके सामने खड़ी है ये 1,26,000 एक्स शोरूम के आसपास आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं राइडिंग एक्सपीरियंस की, ये बाइक मुझे चलाने में कैसी लगी। बहुत ही स्मूथ इसका पिकअप था, बहुत ही अच्छा मेरा जो राइडिंग एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा है। मेरी हाइट भी कम है, तो जिसके हिसाब से मुझे इसके बैलेंसिंग में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। पिकअप स्पीड भी इसकी अच्छी है। एक चीज़ मुझे इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया, वो ये है इसका जो मोड है अर्बन मोड से, जब मैं इसको स्पोर्ट मोड में जब मैंने इसको चेंज किया, तो फील नहीं आया कि आप अर्बन से तुरंत आप स्पोर्ट मोड में जा रहे हो। हो सकता है कि क्विक आपको इस तरीके का रिस्पांस ना मिले, लेकिन जैसे ही बाइक थोड़ी सेकंड आगे जाती है, तो आपको फील होता है कि अब आप स्पोर्ट मोड में इस बाइक को चला रहे हैं। तो सिटी राइड के लिए बाइक काफ़ी अच्छी है, ट्रैफिक में भी इसकी हैंडलिंग, कंट्रोलिंग सब कुछ बहुत ही अच्छा है। 40-50 की स्पीड में आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, इमरजेंसी ब्रेक मारते हो तो थोड़ी सी बाइक घिसकेगी, लेकिन आप इसको प्रॉपर तरीके से
कंट्रोल कर सकते हो। ओवरऑल मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अगर आप भी इस बाइक को चलाना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी डीलरशिप पर जाकर एक बार जरूर इसका राइड एक्सपीरियंस लें। बहुत सारे लोगों का, जो हमारे व्यूवर हैं, उनके ढेर सारे सवाल थे, उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। 2V लिया जाए या 4V लिया जाए, और 2V क्यों लिया जाए? अपाची RTR 160 2V और 4V के बीच में अगर आप बेस वेरिएंट की बात करें तो 4050 रुपये का फ़र्क होता है। वही टॉप मॉडल में 4450 के आसपास आप फ़र्क देख सकते हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि हम 4V क्यों ना लें। 2V का एक अलग मार्केट है। 2V फैमिली ओरिएंटेड बाइक है। इसमें परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मिल जाएगा, माइलेज भी अच्छा मिल जाएगा, लुक भी आपको अच्छा मिल जाएगा। 4V का जो मार्केट है वो युवा पीढ़ियों के लिए है। जैसे कॉलेज स्टूडेंट हो गए, उनको थोड़ा परफॉर्मेंस बाइक चाहिए, थोड़ा सा क्विक एक्सेलरेशन वाली बाइक चाहिए। तो ऐसे में इसका जो मार्केट है वो एकदम अलग है, और इसका जो मार्केट का कॉम्पिटिटर है वो बजाज पल्सर 160 है। तो ओवरऑल मैं इस बाइक को चलाया हूँ, और चलाते समय मुझे क्या फील हुआ, 80-85 की स्पीड जैसे मैंने क्रॉस किया है तो थोड़ा सा वाइब्रेशन मुझे फील हुआ। तो हो सकता है कि अगर आप 4V चलाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो। इंडियन मार्केट में जो इसका सबसे बड़ा राइवल है वो बजाज पल्सर N160 है। तो अगर आप इस बाइक को का राइड एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर आप बजाज पल्सर को भी चला के देखिएगा, ताकि एक बार जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अपने बाइक में वो सही जगह इन्वेस्ट करें। कैसा लगा वीडियो कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण हाईटेक।